आती है। और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के निर्देश पर रानीगंज ब्लॉक नेता सदन कुमार सिंह के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन सर्वप्रथम रानी शहर आदिवासी प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के साथ स्कूल परिसर से शुरू होकर पूरी रानी शहर के ग्रामीण इलाकों की परिक्रमा करते हुए वापस स्कूल परिसर तक समाप्त हुई। नेता सदन सिंह ने बताया कि उनका उद्देश्य मुख्यमंत्री के निर्देश पर पेड़ लगाओ पृथ्वी बचाओ को देखते हुए आयोजित की गई है। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य पूर्ण शशि राय, सजल महतो, गौतम महतो मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता राम सूरत राजभर की रिपोर्ट। এই অঞ্চলে আমরা অনুষ্ঠান করেছি যেটা জল ধরো জল ভরো, জলের সঠিক ব্যবহার করো, জল অপচয় বন্ধ করুন। তারপরে আমরা প্লাস্টিকের যেটা ব্যবহার হচ্ছে সেটা বন্ধ করার জন্য আমরা একটা সচেতনতা করছি। বর্ষার সময় অনেক ঘরের বাড়িতে মানে যেমন টায়ার এই মানে কার্টুন বা প্লাস্টিকের কোনো থাইলি এরকম পড়ে থাকে, তাহলে ওটাতে ডেঙ্গু হতে পারে। তাকেও আমরা চাইব কি এলাকার মধ্যে সচেতনা হোক, যেটা বর্ষাতে জল জমে কোথাও না থাকে তার উপরও নজর দেওয়ার জন্য। যেমন গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান, এই সব নিয়ে অনেক একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা পুরো এলাকার মধ্যে সমস্ত গ্রামবাসীদেরকে নিয়ে, গার্জিয়ানসকে নিয়ে, আমরা ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে নিয়ে আমরা এই এলাকার মধ্যে একটা সচেতনা মিছিল করেছি। আমরা চাইছি এই অঞ্চলে সবাই যেন সচেতন হন, পরিবেশকে বাঁচানোর ব্যবস্থা। আপনার নাম? সদন কুমার সিং। পাঞ্জাব মে জিলে কে নজদীক গাঁও মের সিং ওয়ালা মে চিট্টে কে কারণ হুই মৌত। वह माता पिता का अकेला पुत्र था। गुस्से में आकर गांववासी और क्रांतिकारी किसान यूनियन ने रोड को जाम किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि जो लोग नशे को बेचते हैं उसके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज किया जाए और उसको गिरफ्तार किया जाए। पंजाब से हमारे संवाददाता हरजीत सिंह की रिपोर्ट। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि असी नशे नु बंद कर दिता, पर जी नौजवान पीढ़ी को यह नशा दिन ब दिन खा रहा वा। उमें अच मेहर सिंह वाला पिंड दे विच चिट्टे नाल नशे दे ओवरडोज नाल मुंडे की जान चली गई है। जिहड़ी नौजवान की जान गई है वह कल्ला कल्ला मापिया के घरे पोता, पर ये लोग जिहड़े तुसी देख रहे हो ये इत्थे कातो बैठे आ। ये वड्डा वड्डा सवाल आ सरकार तो, ये मंग करते हैं भी जिहड़ा नशा वा इहनू बंद किया जाए। सरकार जिहड़ा ये बड़े वड्डे दावे करती है कि नशा नहीं हैगा, नशे का ही लक तोड़ता, पर जिहड़ी आ जवानी आ ये जिहड़ी नशे दे लपेट विच आई हुई है, ये नशा कित्थों आया ये बहुत वड्डा सवाल वा। अगर ये जिहड़ा नौजवान तुसी देख रहे हैं ये नौजवान नशे नाल मरिया होया वा, ये मापिया का कला कला पोता। किसान यूनियन पिंड वासी ये सारे इकट्ठे होके इन्होंने रोड जाम किया आ। मेहर सिंह वाले पिंड ये मुंडे की डैथ होंगी है, पर यदा पिंड नहीं, ये पिंड जिहड़ा यदा कसुआना वा, पर इतों ये नशा लैन आया। असी पिंड वासियों तो जानते हाँ भी ये जिहड़ा नशा इत्थों मेहर सिंह वाले ते किन्ना चिर हो गया वेचदे नूं, ते तुहाडी तुसीं जाम जिहड़ा रोड़ा क्यों कीता। जिहड़ा ये मुंडा मरिया जी ये किवें मरिया जी ये तुसीं सारी जानकारी दिओ जी। मैं अवतार सिंह भारती किसान यूनियन क्रांतिकारी जिला प्रधान। ये जिहड़ा मुंडा मरिया पिंड कसवाने दा मेहर सिंह वाला पिंड आ, ते इत्थे चिट्टा वेचते बहुत घर कितने वेचते मेहर सिंह वाले देख जे पिंड वासी आ, इन्होंने बार बार थाने जाके इन्हों की रिपोर्ट की साडे पिंड चिट्टा वेखदा, पुलिस के कोई भी कन के उत्ते जू नहीं सरकी। इतने आह पहली मौत नहीं गई, तीजी चौथी आम पिंड मौत हो गई है चिट्टे राही। कोई इतों जाके 2 किलोमीटर पासे, कोई 4 किलोमीटर, कोई इन्ह के अज जो ये मुंडा इन्हों के घर ही यदि मौत हुई है, पर मौत रात की हुई है। पुलिस सवेरे
8 9 बजे आती है की कारण है ये जड़ा पुलिस प्रशासन जां साडा करता धरता धैरा जिहड़ी सियासत पोलिटिक्स जिहड़ी वो सारे इकट्ठे होकर चिट्टा ये बकाउंदे आ जे असी सारे लोग जे ना असी इकट्ठे होए तो साढ़े इस तरह ही घर सत्र विकते रहेंगे। असी किसान जथेबंदी वालों अपील करते हैं सारे भी सारे इकट्ठे हो आप मूँह तोड़ जवाब देिए तो चिट्टे का लक तोड़िए। हुण तुहाडी की मंग आ तुसीं जिहड़ा रोड जाम किया क्यों किया जी? साडी इह मंग आ जिन्ना चिर जिहड़े घर असी उत्थे रिपोर्ट पहलां भी लिख के दे चुके आ पिंड वासी उन्हां ते परचा करके उन्होंने गिरफ्तार किया जाए साड़ी ये मांग पिंड पिंड वासियों की किसान जथेबंदी 302 का परचा होना चाहिए। जिहड़ा इस तों अलावा कोई घर होर भी वेचदा चिट्टा इत्थे? इत्थे 3-4 घर वेचदे आ जो पिंड वासियों की रिपोर्ट आ आंढ गुआंढी आ इको ताए चाचे दे पुत्री आ। तुसीं जदों सवेरे ये मुंडे डैथ हुई है तुसी जो बाहर कढ़िया गया तुसी दस रहे सी होना तुसी उत्थे मौजूद सीगे? नहीं जी मौजूद नहीं सीगे ये उत्थों आपदे कमरे चो खिंच के इन्होंने बाहर किया। किने किया किदे कमरे सी? परिवार इन्हां जिन्हां दे घरों चिट्टा लिया इन्हें पीता जदों इहदी डैथ हो गई पहला सिर ते पानी पाउंदे उहने दुकान दे विच पानी पाया इन्हां ने इत्थे एसआई कुलवंत सिंह आया उहने आके मौजूदा सब कुछ देखिया इत्थों खिंच के बाहर किया और इन्हां नूं 302 दा परचा करन बारे कहिंदे आ कहिंदे 304 दा परचा होगा ये कतल होया ना कि भी ये आम मरिया वैसे यदा कतल किया गया पैसे ये कोल से कट के पैसे ले गए भज गए परिवार वाले ये 302 का परचा नहीं पुलिस कर रही कहते अं नहीं कर सकते परचा साड़ी मांग है कि 302 का परचा किया जाए तो रेस्ट किए जाए सारे परिवार और चिट्टे वाले जिन्हें भी है सारे फड़े जाने चाहिए। नहीं जी पर पिंड वाले पंचायत वाले कहते मता पा नहीं बस छोर छोरों वाली गल सी कोई नहीं कहते पंचायत मैंने नहीं कुछ पता लगता कि कहड़ी पंचायत है कहड़ा मैंबर है कहड़ा सरपंच है। ठीक है जी इन्हों लोग दबा लेंगे इन्होंने चीज़ों से दबन वाले बंदे नहीं है। ठीक है ना मैं अब दबना ना मैं सवेरे मैं शरेआम कहनी कि कल बंदा मारना पैया तो मारा रुपये का मारा कुछ जवानी का नहीं मारना। ठीक है ना ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰੋਡ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਸਵਾਣੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਖੜਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਫੜੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ? ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਘਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਮਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਪੁੱਛਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਵਿਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰੋਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਮਾਚਾਰ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੇ ਬਾਅਦ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੋਰਸ ਔਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਲ ਟਾਈਪ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਬੌਂਸਰ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਕੰਟੈਕਟ ਔਨ 8317070751 9919229153 and 9696859393।
ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है और आई नजर आते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर आज प्रयागराज बंद का शहर में व्यापक असर दिख रहा है। बंद के समर्थन में व्यापारी संगठन समेत कई संस्थाओं ने भी साथ दिया है। सुबह से ही पेट्रोल पंप, शहर के सभी प्रमुख बाजार, शॉपिंग मॉल के साथ अधिकांश स्कूल और कॉलेज बंद है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। बंद के मद्देनजर प्रमुख बाजारों, महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी है। पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बल भी तैनात है। वहीं अधिवक्ताओं ने जुलूस निकालकर अपनी शक्ति का परिचय दिया। अधिवक्ताओं को समर्थन देने के लिए हर संगठन के लोग जुलूस में शामिल हुए। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। ऐतिहासिक सुभाष चौराहे पे ये सिर्फ अधिवक्ताओं का ही आंदोलन नहीं, ये एक आम जन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। ये इलाहाबाद की अस्मिता और गौरव का प्रश्न है, क्योंकि जिस दिन इलाहाबाद से इन संस्थाओं का स्थापना लखनऊ में हो जाएगी, तो निश्चित रूप से जो है इलाहाबाद का महत्व है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और यही आंदोलन हमारे अधिवक्ता बंधुओं का जो चल रहा है, ये शैक्षिक सेवा अधिकरण जो बनाया जा रहा है लखनऊ में, इसके विरोध में ये आंदोलन हमारा चल रहा है। जैसे कि जीएसटी ट्रिब्यूनल लखनऊ में बना दिया गया, स्टेट ट्रिब्यूनल लखनऊ में बना दिया गया, एएफटी ट्रिब्यूनल लखनऊ में बना दिया गया, जबकि हाईकोर्ट की जो बेंच है वो सिर्फ बेंच के रूप में लखनऊ हाईकोर्ट है। जो मेन बेंच है, मेन खंडपीठ है, वो हमारी इलाहाबाद हाईकोर्ट है। संपत कुमार का फुल बेंच का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, एल चंद कुमार का फुल बेंच का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है। उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि जो मेन खंडपीठ है उच्च न्यायालय की, जो मेन उच्च न्यायालय है, उसके 2 किलोमीटर की डिस्टेंस के अंदर ही अंदर ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए। और आपने ट्रिब्यूनल का गठन 200 किलोमीटर की कर दिया। ये इलाहाबाद के गौरव, इलाहाबाद की अस्मिता का सवाल है। यदि यहाँ से जैसे कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चला गया, PHQ चला गया, और जो तमाम जो इलाहाबाद के गौरव के रूप में जो तमाम संस्थाएँ यहाँ विद्यमान हैं, उनका धीरे 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 विस्थापन जो लखनऊ की ओर हो रहा है, ये सरकार की सोची समझी रणनीति और नौकरशाही का एक तानाशाही रवैया है। और ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि ट्रिब्यूनलों का, जितने भी ट्रिब्यूनल गठित हुए हैं, पुनः इलाहाबाद में उनकी जो है बेंच स्थापित नहीं हो जाती है, तब तक ये आंदोलन अंतिम सफल परिणति तक ये जारी रहेगा। ये इलाहाबाद सिर्फ अधिवक्ताओं तक सीमित नहीं है, इसमें इलाहाबाद के व्यापारी, छात्र नेता, राजनेता, जो भी इलाहाबाद का आम जनमानस इस आंदोलन में शामिल है। और इलाहाबाद का ये जो पूर्ण बंद आज जो ये साबित करता है, इलाहाबाद की बहुसंख्यक जनता हमारे साथ इस आंदोलन में, पूरी तरीके से हमारे आंदोलन के साथ। जितेंद्र नायक, उपाध्यक्ष, कैट बार एसोसिएशन। आगामी 28 अगस्त को सीएम रघुवर दास के हजारीबाग आगमन की तैयारी का जायजा लेने राज्य 20 सूत्री के उपाध्यक्ष पहुंचा हजारीबाग। सदर विधायक, पार्टी जिला अध्यक्ष सहित अन्य प्रमुख लोगों के साथ परिसदन में की बैठक। कार्यक्रम स्थलों का किया निरीक्षण। करजन ग्राउंड में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के करीब 1700 प्रमुख भाजपा कार्यकर्ताओं को सीएम सहित संगठन के वरीय नेता देंगे चुनावी मंत्र। स्टेडियम निरीक्षण के क्रम में विशेष रूप से राकेश प्रसाद के साथ सदर विधायक मनीष जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष टुन्नू गोप, प्रफुल्ल नगर अध्यक्ष
महापौर नगर निगम डीएसपी हजारीबाग मूलचंद साव विधायक मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। झारखंड से हमारे संवाददाता लालदेव कुमार सिंह की रिपोर्ट। हम अभी मौजूद हैं हजारीबाग स्टेडियम में, जिसे करजन ग्राउंड भी कहा जाता है। ये करजन ग्राउंड में कल 28 अगस्त को हमारे झारखंड सीएम रघुवर दास जी का पदार्पण होने वाला है। कल आएंगे और उज्ज्वला गैस के संबंधी बातें, बहुत सारी बातें, चुनावी क्षेत्र की बातें करेंगे। इसके उपलक्ष में पधार रहे हैं कल रघुवर दास जी। मैं लालदेव कुमार सिंह, फर्स्ट न्यूज इंडिया, जिला संवाददाता, हजारीबाग, झारखंड। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का कार्यकर्ता बैठक 28 अगस्त 2019 को हजारीबाग में आयोजित है और वह बैठक 2 बजे से प्रारंभ होगा। और इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और इस बैठक के अंदर 6 जिला के जो हमारे ये उत्तरी छोटानागपुर के जो सभी जिला हैं और उसके अंदर 23 विधानसभा हैं, उस 23 विधानसभा की कोर कमेटी के सभी लोग, उसके संयोजक और सदस्य, उसके साथ ही 146 भारतीय जनता पार्टी के मंडल हैं, 146 मंडल के कोर कमेटी के संयोजक और उसके सदस्य इसमें आमंत्रित हैं। लगभग यह संख्या 1700 की संख्या है और यह एक पार्टी के चुनाव के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने के लिए इस प्रकार की यह सबसे बड़ी बैठक है चुनाव के पहले, जिसमें 1700 लोग भाग लेंगे और संगठन के सभी अधिकारियों के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष मार्गदर्शन होगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो लोग अपेक्षित हैं, चाहे मंडल कोर कमेटी के हों या विधानसभा कोर कमेटी के, सभी लोग समय पर अपना आकर यहाँ और उस बैठक में शामिल हों, ताकि हम जिस उद्देश्य के साथ यह बैठक कर रहे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति हो। अभी हम मौजूद हैं करजन ग्राउंड हजारीबाग में, जहाँ पर कल की तैयारी चल रही है। कल सीएम साहब का पदार्पण हो रहा है और उसी के संबंध में बात करते हैं। मैं भी जिलाध्यक्ष टुनू कुमार से, सर कल के बारे में कुछ बताया जाए। जी, ये अपने मुख्यमंत्री जी और संगठन मंत्री जी कल हजारीबाग आगमन हो रहा है। 2 सरकारी कार्यक्रम है जो बनासों में विष्णुगढ़ प्रखंड में होना है। एक ऐतिहासिक चीज़ हो रहा है विष्णुगढ़ में, वो कुनार डैम में माननीय मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे। सिंचाई परियोजना का जो बहुत पुराना लंबित 40-50 साल का मामला था वो हो रहा है। दूसरा है कि विश्वत्री का और अपनी उज्ज्वला बहनों की जो बैठक हो रही है माननीय मुख्यमंत्री जी जो कर रहे हैं वो भी ऐतिहासिक है, वो गांधी मैदान में हो रहा है। और तीसरा बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप के, वो जो मंडल के जो प्रभारी हैं और परमंडल के प्रभारी, 5 जिला के लोग यहाँ पर आएंगे, उसमें संगठन मंत्री जी रहेंगे और मुख्यमंत्री जी रहेंगे, राकेश प्रसाद जी विश्वत्री के उपाध्यक्ष हैं वो रहेंगे, विधायक गण रहेंगे, एमपी गण रहेंगे और हमारे सारे कार्यकर्ता रहेंगे और 6 जिला के जिला अध्यक्ष भी रहेंगे। और ये इस कार्यक्रम को कल हम लोग करने का काम करेंगे। धन्यवाद। अभी मिलते हैं डीएसपी साहब से। सर यहाँ किस तरह की तैयारी की गई है कल के संबंध में बताया जाए। कल के कार्यक्रम को लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से सारे कार्यक्रम सम्पन्न हो इसका हम लोग ख्याल रखेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी कि यहाँ पर आवागमन अवरुद्ध नहीं हो, आने वाले जो भी परमंडल के जो भी लोग आएंगे उनको आने में कोई कठिनाई हो इसका भी ख्याल रखेंगे। धन्यवाद सर। सर आप अपना पूरा पद नाम बताएं, नाम और परिचय बताएं। मेरा नाम विवेकानंद ठाकुर हुआ, मैं मुख्यालय डीएसपी के पद पर यहाँ पदस्थ हूं। धन्यवाद सर। मैडम आप भी कुछ बोलिए। हाँ मैडम से पूछते हैं। कल हमारे मुख्यमंत्री जी और संगठन मंत्री जी का आगमन हजारीबाग में आ रहा है। वो हजारीबाग में 3 कार्यक्रम करेंगे। एक पहला कार्यक्रम है वो बनासों में होगा, वहाँ पर वो सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद मटवारी में भी सूत्री अध्यक्ष और उज्ज्वला दीदियों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद तीसरा प्रोग्राम जो है वो हमारा करजन ग्राउंड में है, जहाँ पर संगठनात्मक बैठक होगी। वहाँ
मुख्यमंत्री जी और संगठन मंत्री जी का जो मार्गदर्शन वो होगा वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगा। मैडम, कल का कार्यक्रम में आपका क्या दायित्व रखे हैं अपना जिम्मेदारी उसके मसलन होता है? देखिए, कल के प्रोग्राम को लेकर हमारे नगर निगम की ओर से जो भी सहायता हो रही है साफ सफाई को लेकर और जो भी सुविधा हम लोग दे पाएंगे यहाँ वो हम लोग अपने स्तर से नगर निगम के स्तर से कर रहे हैं। मैडम, आप अपना नाम और पद बताएं। रोशनी तिर्की, महापौर, हजारीबाग नगर निगम। धन्यवाद। ये तभी के समाचार आए। कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।